आज मैं लेकर आया हूँ MG का ना एक पोर्टेबल स्पीकर, 5 वाट आउटपुट के साथ आता है, बहुत ही बजट में लिया है, मतलब सिर्फ 250 रुपये में ना मैंने इसको मीशो से लिया है। आप भी बाय कर सकते हो, वहाँ पे थोड़ा सा सस्ता मिल जाएगा। दूसरे वेबसाइट पे ना 350 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। और आपको इसमें ना डिस्को लाइट्स मिल जाता है, डिस्को LED, आपको एक केबल मिल जाती है, ये रहा स्पीकर। कलर ऑप्शंस ना वैसे कुछ वहाँ पे है नहीं है, जो उन्होंने भेज दिया ना वही आपको लेना पड़ेगा, कोई ज़्यादा ऑप्शंस उन्होंने रखे नहीं है। यहाँ पर आपको सारे बटन्स, ये है एक मोबाइल कैरी करने के लिए ना, यहाँ पर आप अपना हैंग कर सकते हो। और ये रेड कलर का है, ठीक है, पीछे की तरफ आपको दिख रहा है ना, ऐसा कुछ दिखता है रेड कलर। मैं एक बार स्टार्ट कर देता हूँ। Welcome to MC Music World. देखा ना कितना लाउड है। और यहाँ पर ना RGB लाइट्स ऑन हो गए, अलग से एक बटन भी दे दिया है, तो थोड़ी सी रोशनी कम कर देता हूँ। ये देखिए बहुत ही कूल दिखता है, और इतने ज़्यादा फंक्शंस है ना आप ना थक जाओगे, कितने फंक्शंस है, 10 से भी ना ज़्यादा के होंगे इसमें फंक्शन। मेटालिक ग्रिल यूज किया है, मुझे लगा था कि प्लास्टिक यूज करेंगे, तो इस तरह से ना आपको ये कैरी स्ट्रिप भी मिल जाती है। तो स्पीकर की साइज आप देख रहे हैं, देखिए इतना बड़ा स्पीकर मिल जाता है, वेट भी बहुत अच्छा है, सिंगल स्पीकर है, ठीक है, बेस रेडिएटर ऐसा कुछ नहीं है, इतने प्राइस में आपको कहां पर मिल जाएगा। अब बात करते हैं बाकी फीचर्स के बारे में, वन बाय वन ना मैं आपको बता दूंगा। तो फर्स्ट पॉइंट है ब्लूटूथ। ब्लूटूथ कौन से वर्जन का है ना वो तो उन्होंने लिखा नहीं है, लेकिन यहाँ पर लिखा है वर्किंग रेंज 10 मीटर तक की ना आपको मिल जाती है, ब्लूटूथ 5 में ना ऐसा होता है। सेकंड है बैटरी बैकअप, 1200 mAh की बैटरी आपको इसमें मिल जाती है, और उस हिसाब से आपको यहाँ पर लिखा है 4 आवर्स तक का ना प्ले टाइम आपको दे देती है। मुझे तो नहीं लगता कि 4 आवर्स तक का आपको ये बैकअप दे देगी, 1 से 2 घंटा आप पकड़ सकते हो। थोड़ा लाउड है ना, कम पे बजाना पड़ेगा ताकि आपको 2 घंटे तक का बैकअप मिल जाएगा। इसके बाद बात करते हैं कनेक्टिविटी में आप देख रहे हैं ना, मेमोरी कार्ड लगा सकते हो, USB है, माइक्रो USB चार्जिंग पोर्ट है, फिजिकल ऑन ऑफ बटन है, छोटा सा है, टूट भी सकता है, और ऑक्स आउटपुट ना आपको इसमें नहीं मिल जाता। इसके बाद बात करते हैं एडवांस फीचर। भाई ये तो बात करनी पड़ेगी, एडवांस फीचर आपको क्या क्या मिल जाते हैं। TWS है, मतलब 2 स्पीकर ना आप कनेक्ट करके बजा सकते हो, ऐसे 2 खरीदो 500 में आपको 2 मिल जाएंगे, दोनों कनेक्ट कर लो। इसके बाद है FM रेडियो भी आपको इसमें ना मिल जाता है, FM mode। लास्ट पॉइंट है साउंड क्वालिटी। इसके बाद करेंगे हम साउंड टेस्ट, आप हेडफोन पहन लीजिएगा ताकि आपको बिना क्वालिटी समझ में आएगी और आपको पता चल जाएगा कि 250 रुपये इस पर खर्चा करना चाहिए क्या। वैसे बहुत ज़्यादा लाउड है, तो देखते हैं कैसे इसका आउटपुट। और उसके साथ ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यार, बहुत सारे लोग जो सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और इस प्रोडक्ट की लिंक ना आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर आपको ना डिस्काउंटेड मतलब ऑफर वाली लिंक भी मिल जाएगी मीशो वाली। कैसा लगा आपको साउंड टेस्ट, है क्या इसमें क्वालिटी A1 वाली? मुझे तो ना एवरेज क्वालिटी लगी, ठीक है, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं आपका अगर बजट कम हो तो, क्योंकि इसमें ना आपको वारंटी नहीं मिल जाती, आप कहीं से भी बाय करो ना आपको वारंटी नहीं मिलने वाली है, तो आपके भरोसे है, और ना अच्छी खासी क्वालिटी आपको दे देता है, ठीक है, मतलब साउंड आउटपुट ना बहुत ज़्यादा लाउड है, आप अगर कम पे बजाओगे ना तो आप मज़ा ले सकते हो। आपका अगर एकदम से बजट कम है या फिर ना आप किसी को गिफ्ट देना चाहते हो, मतलब उसको ज़्यादा यूज़ नहीं है, मोबाइल पुराना यूज़ कर रहा है और उसको अगर स्पीकर चाहिए ना, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो, 250 में मिल रहा है। अगर आपका फर्स्ट ऑर्डर होगा ना तो 200 में भी मिल सकता है मीशो से, तो आप वहाँ से बाय कर सकते हो। वैसे RGB ऑफ करने के लिए ना आपको इसको डबल टैप करना पड़ेगा, तो ना RGB ऑफ हो जाएगा, ऑफ करोगे ना तो आपको अच्छा खासा बैकअप भी मिल जाएगा। तो मेरी तरफ से ना एवरेज क्वालिटी है ना, तो जिसका बजट कम है ना उसके लिए रिकमेंड है। और उसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यार, बहुत सारे लोग जो सब्सक्राइब करते हैं सब्सक्राइब कीजिए, और ऑफर लिंक ना आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर आपको ना 250 रुपये में ये मिल जाएगा, आप मीशो से ये बाय कीजिएगा, क्योंकि बाकी तरफ ना 350 रुपये में आपको ये
मिल रहा है सेम प्रोडक्ट।